हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विजर्ड। आज स्टैंडर्ड 9 मैथ्स 1 के प्रैक्टिस सेट 5.1 से क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस 3x-5y=16, x-3y=8। यहाँ पर क्वेश्चंस में ये नहीं मेंशन है कि इस इक्वेशंस को किस मेथड से सॉल्व करना है, भाई एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कोफिशेंट वाई जो है -5 और -3 है, इसको भी आप इक्वल कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें फर्स्ट इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये दोनों इक्वल होंगे। अगर हम लोग एक्स का कोफिशिएंट देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, सेकंड इक्वेशन में 1 है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इक्वेशन 2 के जो है को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और दोनों इक्वेशंस में एक्स के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। ये हमें इजी पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 वी गेट, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मींस हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x-3y=8×3। जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को मल्टीप्लाई करना हो, आप यहाँ पर ब्रैकेट ज़रूर लगाइए, नहीं तो वहाँ पर आप 3 को यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरा टर्म जो है छूट जाएगा और यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। 3x-9y=24। यहाँ हम लोग 3 कॉमन ले ले, सॉरी 3x, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3x-5y=16। सब्ट्रैक्शंस में साइन जो है चेंज होती है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। देखिए ये आपका जो कैंसिल हो गया, -9x+5y=-4y, this is equal to 16, 24 - 6 is 8, therefore y=-2 - 2। y=-2 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें जो है x जो है डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो x-3y यहाँ लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग y=-2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2, x-3y = -2 इज इक्वल टू 8, -(-) इज प्लस 6=8, x=8-6, x=2। How to check the answer whether x=2 and y=-2 is the correct answer? Check your sir. Put the value of x and y in the given equations. Equation 1 में अगर हम लोग put करते हैं, 3x, 3×2 - 5y, y is -2, this is equal to
थ्री इंटू टू इज सिक्स माइनस टेन इज इक्वल टू सिक्सटीन। देखिए यहाँ भी 16 आया हुआ, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है इक्वल है, इसका मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन टू इज एक्स माइनस थ्री वाई, एक्स इज टू माइनस थ्री इंटू माइनस टू इक्वल टू, टू प्लस सिक्स इक्वल टू एट, राइट साइड में एट है, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू माइनस टू इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करते हैं इसका पार्ट फोर। पार्ट फोर, टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ये मेरा इक्वेशन नंबर वन है। टेन एक्स प्लस फिफ्टीन वाई इक्वल टू वन जीरो फाइव, इक्वेशन नंबर टू है। इन इक्वेशंस को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना प्रिफर करूँगा, क्योंकि यहाँ से मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा x इज इक्वल टू टू वाई, और मैं x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, टू वाई इक्वल टू एक्स, इस इंप्लाइज और एक्स इक्वल टू टू वाई। इस एक्स इक्वल टू टू वाई को मैं इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट करूंगा। यहां पर जो है नोटिस कीजिएगा कि जिस इक्वेशन से हम लोग जो है वैल्यू एक्स की वाई को एक दूसरे के टर्म में निकालते हैं, उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर थ्री। सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू टू वाई इन इक्वेशन टू, वी गेट टेन एक्स, टेन इंटू टू वाई प्लस फिफ्टीन वाई इक्वल टू वन जीरो फाइव। टेन इंटू टू इज ट्वेंटी वाई प्लस फिफ्टीन वाई इक्वल टू वन जीरो फाइव। थर्टी फाइव वाई इज इक्वल टू वन जीरो फाइव, वाई इक्वल टू वन जीरो फाइव डिवाइडेड बाई थर्टी फाइव, दैट मीन्स वाई इक्वल टू थ्री। फ्रॉम इक्वेशन थ्री, एक्स विल बी इक्वल टू टू वाई, टू इंटू थ्री। इसके आंसर जो है इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू सिक्स और वाई इज इक्वल टू थ्री, इसका जो है करेक्ट सोल्यूशन है कि नहीं है। टू वाई, टू वाई मीन्स टू इंटू थ्री सिक्स, माइनस एक्स, सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड वन, टेन एक्स मीन्स सिक्सटी प्लस फिफ्टीन वाई, फिफ्टीन टू थ्री फोर्टी फाइव इक्वल टू, ये भी वन जीरो फाइव है, तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स और वाई इज इक्वल टू थ्री इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सॉल्व करते हैं पार्ट फाइव। पार्ट फाइव, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन, एंड सेकेंड इक्वेशन इज एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू इलेवन। इस इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर फोर को इस तरफ जो है ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये मिल जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू माइनस फोर। अगर यहाँ तो साइन अपोजिट है लेकिन कोफिशेंट इक्वल नहीं है, या तो मैं इक्वेशन टू को जो है थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ, वन को फाइव से मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर मैं दोनों को ऐड करूँ, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन इससे आसान ये पड़ेगा कि इक्वेशन नंबर टू को मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं और ये कोफिशेंट इक्वल हो जाएंगे, और मैं एक इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लूं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाय थ्री, वी गेट
टू, टू एक्स माइनस, टू एक्स माइनस टेन वाई इक्वल टू 22, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। और इक्वेशन नंबर 1 को इसी से मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 4। जब लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। दिस पार्ट इज कैंसल, 10y माइनस 3y इज माइनस 13y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 अपान माइनस 13 और y इक्वल टू माइनस 2। y इज इक्वल टू माइनस 2 को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में जो है सब्स्टिट्यूशन आसान होगा क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशियंट नहीं है। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 5y, y इज माइनस 2 इक्वल टू 11, माइनस इंटू माइनस इज प्लस इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11 माइनस 10, x इक्वल टू 1। ये चेक करते हैं ये x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 2 इज करेक्ट आंसर आर नॉट। x इज 1 मीन्स 2 एंड दिस वन इज माइनस 6 इन माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 इज 0। 1 माइनस 5 इंटू माइनस 5 इज प्लस 1, 10, 11। तो y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 1 इज करेक्ट आंसर। ये सॉल्व करते हैं पार्ट सिक्स, 2x माइनस 7y इक्वल टू 7 एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x प्लस वाई इक्वल टू 22। यहां पर हमें x के भी कोफिशियंट अलग हैं, y के भी कोफिशियंट अलग हैं। अगर मैं x के कोफिशियंट को इक्वल करने जाऊंगा तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं y के कोफिशियंट को इक्वल करना चाहूँ तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7y ऊपर भी है, 7y नीचे भी हो जाएगा। तो मैं y के कोफिशियंट को इक्वल करना प्रीफर करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 7 इंटू 3 इज 21x प्लस 7y 154, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ लिख लेते हैं, 2x माइनस 7y इक्वल टू 7। देखिए ये प्लस 7y, ये माइनस 7y है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 21 प्लस 2 इज 23x x इक्वल टू 161 अपॉन 23 इज इक्वल टू 7। किसके पास में 2 7 14, x इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 7 को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, टू एक्स, टू इंटू 7 माइनस 7y इक्वल टू 7, 14 माइनस 7y इक्वल टू 7, माइनस 7y इक्वल टू 7 माइनस 14, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 7, y इज इक्वल टू 1। इसको आप चेक कर लीजिए कि आंसर सही है या गलत है। 2x 14 माइनस 7y
14 माइनस 7 इज 7, इट्स करेक्ट। 3x मीन्स 21, 21 प्लस वाई मीन्स 22 इक्वल टू 22। तो यहाँ पर दोनों साइड्स इक्वल हो गई, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।